व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का चैप्टर बड़ा ही शानदार है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी पार्लियामेंट सोवरन है या नहीं है, मतलब हमारी संसद जो है उसकी संप्रभुता है या नहीं है। मतलब ये है कि हमारी संसद में इतनी पावर है कि उसको कोई चेक एंड बैलेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, या वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को काफी शानदार ये कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा और किस तरीके से इसको कंपेयर किया जाएगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के साथ में, वो भी आप लोग देखिएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया था यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के साथ में, ऐसे ही आज हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पर कंपेयर करने जा रहे हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के साथ में। तो इससे आप लोगों के माइंड में काफी क्लैरिटी आएगी और आप लोगों को थोड़ा यहां पर रिविजन भी देखने को मिलेगा और आप लोगों को थोड़ी सी यहां पर आप लोग बोल सकते हैं चीजें याद भी आएंगी कि अब तक हम लोग क्या क्या कर सके, जिससे कि आप लोग अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। तो काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जब बात करते हैं अपनी पार्लियामेंट या फिर संसद के बारे में, तो आप लोगों को ये तो बात पता ही है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। हमारी पार्लियामेंट को जब हम लोग काउंट करते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, प्लस प्रेसिडेंट आता है। इसको सारे को जब कंपाइल करते हैं तो इसको बोल देते हैं हम लोग हमारी पार्लियामेंट। ओके, लोकसभा में आप लोगों को देखने को मिलेगा लीडर ऑफ हाउस कौन है, यहाँ पर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस आप लोगों को राज्यसभा में देखने को मिलेंगे, आज के डेट में है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये कुछ बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर ऐसी बातें हैं जो ब्रिटेन के संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे संविधान में हम भी वो चीजें नहीं है, हमारी पार्लियामेंट में वो इस तरीके की पावर नहीं है जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस पर थोड़ा यहाँ पर फोकस डाल के चलेंगे। सबसे पहले जब बात करते हैं सोवरेनिटी की, जिसको हम लोग संप्रभुता बोलते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट एक ऐसी पावर है उसको कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। मतलब वो जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे कुछ भी कर सकता है, उसको पार्लियामेंट के ऊपर किसी का जरा सा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये मतलब है यहाँ पर एक तरीके से सोवरेनिटी का। पर लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट में ऐसा है? अगर आप लोग सारे लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुनते हुए आ रहे हैं तो आप लोग एकदम आंसर दे देंगे। अभी मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगी ये बातें। सोवरेनिटी का मीन्स होता है सुप्रीम, मतलब कोई रोक टोक है ही नहीं है, पूरा पावर यहाँ पर स्टेट के अंदर में है, वो जैसा लॉ चाहे वो वैसा लॉ बना सकता है, जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से वो कोई भी स्टेप ले सकता है। ठीक है, कल को अगर स्टेट आकर ऑटोक्रेटिक होने लगे तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सुप्रीम पावर। ठीक है ना, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो यूके है, आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर जो पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, इतनी पावर दे रखी है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई भी रोकने टोकने वाले नहीं है, पूरी वहां पर सुप्रीम पावर आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर नजर आएगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो सोवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी निकल के यहीं से निकल के आता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया अभी, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है किसी भी ऑथोरिटी पे, या कोई भी जुडिक्शन यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लाभ बना सकते हैं उनको, ना कोई किसी से उनको पूछना है जाकर, ना ही कोई उनको रोकने वाला है, जिस तरीके से आप लोगों को हमारी इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कंप्लीट पावर आप लोगों को, सारी पावर यहाँ पर नजर किसके अंदर आएगी, पार्लियामेंट के अंदर नजर आएगी। मतलब वही रोकने वाले हैं और वही बनाने वाले हैं, अगर रोकेंगे तो अपनी मर्जी से रोकेंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं है वहां पर जो आकर उनको रोक सके। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू AVDICE, ये एक आप लोग बोल सकते हैं इनको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता थे, इनके बारे में आप लोग अगर थोड़ा जाकर पढ़ेंगे थोड़ा जाल के तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थोड़ा एक बार जाकर गूगल पे इनके बारे में सर्च करिएगा, काफी कुछ नई बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो सोवरेनिटी का इशू है, या सोवरेनिटी जो किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट की है, ये ब्रिटेन के थे, उसको तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये तीन पावर है किसी पार्लियामेंट के अंदर तो उस पार्लियामेंट को हम सोवरन पार्लियामेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या थी, वो ये थी कि जब पार्लियामेंट कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूट या फिर कोई भी रिपील कर सकती है जो ऑलरेडी बना हुआ लॉ है, जो ऑलरेडी लॉ है उसको बना सकती है, नया लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, मतलब हटा सकती है। तो इस तरीके की अगर पावर किसी पार्लियामेंट के अंदर है तो हम उसको सोवरन पार्लियामेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में यहां तक बातें बोली जाती है कि ये सब कुछ कर सकती है, छोड़ के इंसान को, मतलब आप लोग देखेंगे मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के बजाय ये चीज अगर छोड़ दे तो ये सब कुछ कर सकती है, मतलब वुमेन को मैन और मैन को वुमेन नहीं बना सकती, बस ये छोड़ दीजिए आप लोग, बाकी सब कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अनलिमिटेड पावर है,
इन ये अनलिमिटेड पावर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के अलावा ये सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, वो ये कहावतें होती हैं, तो ये कहावत के तौर पर भी यहाँ पर पावर बताने की कोशिश की गई है। ओके, आगे क्या बात बोली गई है, ये जो लॉ बनाती है उन लॉ में और जो संविधान में जो लॉ है उन लॉ में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप लोगों को सारी चीजें मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। है तो, पर लेकिन उनमें कोई डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि जो इनका संविधान है वो भी लिखी थी नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, तो कहाँ लिखी हो गई, कहीं कोई डायमेंशन नहीं लिखी हुई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और जो दूसरी ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उनको बनाने का पूरा प्रोसीजर ही आप लोगों को सेम नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा, मतलब इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कोई चेंज करनी है, नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी है, तो 2/30 स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरीके से ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते हैं उसी तरीके से ये संविधान के लॉ भी बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात हो गई ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि कौन सी तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और कौन सी यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो ये आप लोग यहाँ पर नजर नहीं आएगा, मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इसको समझिएगा, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको, मतलब एक तरीके से लंबे समय तक आप लोग इसको फिर एक आइडिया बन जाता है ना माइंड में कि हाँ ये है क्या एक्चुअल में, रटना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। रटेंगे तो अभी रटेंगे, फिर कल भूल जाएंगे कि हाँ तीन पार्ट हो गए, समझेंगे तो चीजें दूसरों को समझा भी पाएंगे अगर कोई पूछता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में, क्या बात की जा रही है पार्लियामेंट के बारे में, कि जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देती है तो किसी की हिम्मत नहीं है, वो नहीं कहते किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि उस लॉ को आकर टच कर दे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट कोई यहाँ पर लॉ बना देती है तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कोई जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट यहाँ पर सोवरन अथॉरिटी है, मतलब जो कुछ हूं मैं ही हूं, पार्लियामेंट ये कहती है, मुझे ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है, मैं जहां पर जो चाहूं वो कर सकते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है यहां पर। तो इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सोवरन पार्लियामेंट बोला जाता है, ओके। पर जो मैंने आप लोगों को तीन बातें बताई, अगर आप लोग इनको इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हमारी पार्लियामेंट सोवरन है या नहीं है। तो आप लोग एक बार इन तीनों को ही देख लीजिए। पहले एक बार पहले बात की गई यहां पर पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, ऐसा कुछ है कहां, ऐसा कुछ, जब भी पार्लियामेंट कुछ करना चाहती है तो दुनिया भर की रोक टोक उसके ऊपर लग जाती है। आप लोग देखते हैं हमारे यहां पर कितनी सारी ऐसी चीजें, सबसे पहले तो कोर्ट ही आ जाता है पिक्चर में निकलकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आ गया पिक्चर में निकलकर कि हाँ आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिव्यू करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा अलग डिफरेंस है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर है, तो पार्लियामेंट पे हमारे यहां पर लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट निकल के हमारे यहाँ पर आ गया केशवानंद भारतीय केस के बाद में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी पार्लियामेंट में पावर है पर लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकें, ठीक है, उनको एक सिस्टम के अंदर वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऊपर रूल किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, काफी लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया है, तो कल को पार्लियामेंट भी ऐसी ना बन जाए कि वो जनता के ऊपर रूल करने लगे। जनता की नौकर है पार्लियामेंट, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे हम लोग वहां पर भेजते हैं, ना कि हमारे हमारे ऊपर बैठने वाले नुमाइंदे हैं वो, ठीक है, हम उनको चुन के भेजने इसलिए वो काम कर रहे हैं वहां पर, ना कि वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और हमको रूल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए, तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा उनको कम पावर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन दी गई है हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा। वो जानते थे कि कल को कोई दिक्कत ना होने लगे, अगर कोई दिक्कत है तो उसको रोका जा सके, तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके हमारी पार्लियामेंट नजर आएगी। तो ये कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सोवरन अथॉरिटी है उस पर कुछ लिमिटेशन लगती है, और हमारे संविधान में सारी लिमिटेशन आप लोगों को नजर आएंगी। तो पार्लियामेंट की जो बात आती है तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली सोवरन अथॉरिटी है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो कुछ चीजें आप लोगों को नजर आएगी कि इसको रोका टोका जा सकता है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई गई है, जुडिशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ भी लॉ बना के रख दें। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था जब यहां पर बात आ रही थी उसको कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की, तो गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, पास किया, लेके आई, पर लेकिन क्या किया, जुडिशियल रिव्यू आ गया और जरा सी देर में उठा के उसको फेंक दिया,
ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सोवरेनिटी यहां पर आप लोग कंप्लीट यहां पर पार्लियामेंट को नहीं बोलेंगे। हाँ, इतनी सोवरेन है हमारी पार्लियामेंट कि बाहर की किसी कंट्री से पूछ के हमको कुछ करना नहीं होता है। अपनी कंट्री के सारे डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं, और हम लोग ये नहीं है कि किसी कंट्री से किसी कंट्री के पास में जाएंगे कि यार हम इस कंट्री के साथ में रिलेशन बना सकते हैं, बताओ यार बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, तो हम किसी से बाहर से पूछने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हमारे खुद के ही संविधान के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि खुद से आप लोग एक डिक्टेटरशिप का रोल प्ले न करने लगे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इंडियन पार्लियामेंट को रोकते हैं, लिमिटेड सॉवरेनिटी यहां पर देखने को मिलेगी। पहला क्या है, पहला तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है ब्रिटेन की तरीके से कोई संविधान ही नहीं लिखा हुआ है, वहां पर पूरी लाइब्रेरी संविधान आप लोगों को नजर आएगी। पर हमारे यहां पर ये किताब है, आप लोग लेकर कहीं पर भी अपने बैग में जा सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा संविधान। तो इसलिए यहां पर जो बातें संविधान में लिखी गई है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उसके गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं। तो मतलब संविधान जो है हमारा कहीं ना कहीं लिमिटेड करता है किसको, जो हमारे यहां पर जो गवर्नमेंट होती है उसको लिमिटेड करता है और उसको कहता है कि आप लोग दायरे में रहिए, उससे बाहर मत जाइए। तो ये आप लोग यहां पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। तो पहली बात तो आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग क्या देखने को मिलेगी यहां पर, यह है कि हमारे यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो हमारे यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनमें दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा, उनकी पावर में आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा, ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरी बात क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अगर कोई चेंज करना है उसमें, तो आप लोगों ने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बारे में, तो हाफ ऑफ द स्टेट से आप लोगों को देखने को मिलता है ऐसी कुछ चीजें थी जिसमें रेक्टिफाई कराना पड़ रहा था हम लोगों को, तो हाफ ऑफ स्टेट से रेक्टिफिकेशन की जरूरत हम लोगों को पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लिमिट करता है ये यहाँ पर जो पार्लियामेंट की पावर को, कि ऐसा नहीं है कि वो बस कुछ भी, शाम को उनको सपना है और सुबह को आंखें खोलेंगे और कुछ भी बना के यहाँ पर रख देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकती हमारी पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ पर जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है, पर लेकिन ना तो ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही उनकी यहाँ पर कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि उनके यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है। तो पार्लियामेंट ही सब कुछ है, जो है हम है भैया हम ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस बना के चलेंगे तो चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बात करते हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की। हमारी कंट्री में आप लोगों को फेडरल सिस्टम नजर आएगा, मतलब आज की डेट में हमारी कंट्री में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, सबके सब मिलकर यहां पर काम करते हैं और सारे के सारे जो काम करते हैं वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। पर लेकिन जब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो वहां पर यूनिटरी सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि वहां पर फेडरल सिस्टम है कोई। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दो लेवल लिखे हैं, जबकि यहां पर तीन लेवल पे अब गवर्नमेंट हो गई हमारा। आप लोग देखते हैं पहले नंबर पर क्या होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पे स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो तीन लेवल की गवर्नमेंट हमारे यहां पर चलती है, पर यहां पर सारा काम आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर दिखेगा, यहां पर सारा गवर्नमेंट आप लोगों को नेशनल लेवल पर नजर आएगा। ओके, पॉलिटिकल पावर जो है आप लोगों को डिवाइड आएगी तीन लेवल पर यहां पर। ठीक है, तीन लेवल ऑफ पॉलिटिकल पावर डिवाइड नजर आएगी यहां पर, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी देखने को मिलेगा और यहां पर चीजें कोडिफाइड है, मतलब स्टेट की क्या पावर है, सेंटर की क्या पावर है, पंचायत और यहां पर म्युनिसिपैलिटी की क्या पावर है, ये सारे लेक्चर ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। जो कोई नया स्टूडेंट हमारी फैमिली में जुड़ा है उसको पता होना चाहिए कि यहां पर सारे लेक्चर लगभग ले चुका हूं मैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लेक्चर्स के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जाकर वो देख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर तीन लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तीन लेवल पर देखने को मिलेगा। हाँ, नॉर्मली तो दो लेवल पर देखने को मिलेगा कि लॉ जो दो तरीके के होते हैं, पर लेकिन हमारे यहां पर पंचायत के लेवल पर भी आप लोगों को चीजें नजर आएंगी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर लेकिन यहां पर ओनली एक सेट ऑफ लॉ बना देते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह को, मतलब ऊपर से लेकर आप लोग बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर सारी जगह वही चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो फेडरल सिस्टम भी हमारे यहां पर जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं लिमिट करता है पार्लियामेंट को, तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। बात करते हैं सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर ले चुका हूं मैं, आप लोग जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। पूरा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या होता है, ये पूरा हम लोगों ने डिटेल में समझा था। आखिर होता क्या है, अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो यहां पर हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसका रिव्यू किया जाएगा हमारी जुडिशरी के द्वारा। और अगर रिव्यू करने के बाद में उनको यह लगता है कि हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको वहीं पर नल एंड वॉइड बोल दिया जाता है, मतलब ये आगे नहीं चलेगा, इसकी मनमानी नहीं चलेगी, पार्लियामेंट की मनमानी ही नहीं चलेगी, इसकी कहानी यहीं पर खत्म है, तो ऐसा किया जाता है। तो पूरे डिटेल में आप लोग जाकर ये लेक्चर देख सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम आप लोगों को हमारी कंट्री में नजर आएगा जो कि लिमिट करता है सॉवरेनिटी को पार्लियामेंट की। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान में पार्ट थर्ड जो है वहां पर हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं।
12 से 35 तक आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है, इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर स्टेट कोई भी ऐसा काम करता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं किस पर, हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, कि आप लोग लिमिट रह के काम करेंगे, आप लोग अपनी औकात से बाहर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, अगर मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो ये स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को उनकी औकात याद दिलाते रहते हैं कि आप लोगों को इस स्पेयर में रहकर काम करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं कई सारे लेक्चर ले चुका हूं, सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। क्योंकि जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने ये नहीं देखा था कि मैं आप लोगों को बस ऐसे पढ़ा रहा हूं, मुझे ये लगा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, आप लोग एक अच्छे सिटीजन बनना चाहिए, तो उस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये पूरा रिव्यू आप लोगों के सामने है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है, और ये आप लोगों के सामने रिस्ट्रिक्शन है जो यहाँ पर लगी हुई है। पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर सॉवरन नजर आएगी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो सारे वहां पर फ्री है। ठीक है, तो कुछ भी लाभ बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं उसको किसी भी तरीके से, वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बीच में, जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों और पानी को सेव कीजिए, और पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह बैग कम से कम यूज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।